नमस्कार सभी आंगनबाड़ी बहनों का एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में उन सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए काफ़ी यूजफुल ये वीडियो है जिन लोगों ने अभी तक आंगनबाड़ी का ओटीपी सत्यापन नहीं किया है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही थी उनको ओटीपी सत्यापन करने में। तो वो सभी आंगनबाड़ी सेविकाएँ इस वीडियो को एंड तक देखें जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आंगनबाड़ी ओटीपी सत्यापन का डेट निर्धारित हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे ICTS का लेटर आ चुका है जिसमें कि ओटीपी सत्यापन का डेट आगे विस्तारित कर दिया गया है और अभी तक बहुत से आंगनबाड़ी सेविकाएँ हैं जिनको पोषाहार की राशि अभी तक नहीं मिल पाई है। तो आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर सेलेक्ट कर दें। तो आइए इस वीडियो में ICTS की तरफ से क्या लेटर जारी किया गया है और ओटीपी सत्यापन का डेट कब से कब तक बढ़ाया गया है जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर डेट दिया गया है 31/8/2021 यानी कल शाम को ही इस लेटर को जारी किया गया है जिसकी संचिका संख्या है 44-12। देखिए प्रेषक में दिया गया है अनुसरण पदाधिकारी ICTS निदेशालय और सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को ये लेटर जारी किया गया है। नीचे आने पर देखेंगे इस लेटर का विषय दिया गया है, विषय में आपको क्लियर समझा दिया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर माह अगस्त 2021 का पोषाहार प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली की तिथि विस्तारित करने के संबंध में। तो सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं, आप सभी लोगों ने अभी तक ओटीपी सत्यापन नहीं की हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है उपयुक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के द्वारा निर्धारित राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली की तिथि निर्धारित की गई थी। आपको मालूम ही होगा कि लास्ट डेट 31 अगस्त 2021 तक रखा गया था लेकिन इसको बढ़ा के और भी आगे किया जा गया है जिसमें कि आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि पुनः निर्देशानुसार माह अगस्त 2021 का पोषाहार प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली की प्रगति अत्यंत धीमी रहने के कारण दिनांक 3/9/2021 तक विस्तारित करते हुए माह अगस्त 2021 का पोषाहार वितरण कूपन या टोकन प्रणाली के माध्यम से सभी महिला निर्बाध रूप से किया पर्यवेक्षिकाओं जाए। एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं को निर्देशित किया जाए कि माह अगस्त 2021 का 100% पोषाहार वितरण कूपन या टोकन के माध्यम से कराने हेतु व्यक्तिगत रुचि लेकर ससमयबद्ध ही कराना सुनिश्चित किया जाए। तो जैसा कि ICTS लेटर के मुताबिक इस ओटीपी सत्यापन के डेट को 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है जो कि 3/9/2021 तक ही इसको आगे बढ़ा दिया गया है जिसमें कि आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जितने भी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं अभी तक तो ओटीपी सत्यापन नहीं की हैं वो लोग ओटीपी सत्यापन करके पोषाहार वितरण कर सकती हैं। और अभी तक हमें मालूम है कि बहुत से आंगनबाड़ी सेविकाएँ हैं जिनको पोषाहार की राशि प्राप्त नहीं हुई है, उनको 1-2 दिन में पोषाहार की राशि प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद वो लोग अपना ओटीपी सत्यापन करने के बाद अपना पोषाहार वितरण कर सकती हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी आप सभी को मिला होगा, इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।